क्या आप लोगों को पता है कि वेडिंग और मैरिज में क्या फ़र्क है? वेडिंग और मैरिज में फ़र्क कन्फ्यूजन है ना, इस वीडियो के एंड तक ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सेम इसी किस्म की कन्फ्यूजन मुझे उस शख्स की शादी में जाके हुई जो सऊदीया के अंदर पैदा हुआ, पला बड़ा, यहीं पे पढ़ा, यहीं पे सड़कों पे खेल के अरब दोस्त बनाए, उर्दू जबान से ज़्यादा अरबी पे उबूर हासिल किया। यहीं कमाया, यहीं खर्च किया और बड़े होने के बाद यहीं पे शादी की। और उस शादी में उसने बुलाया आपके भाई को। मेरे जहन में था कि पाकिस्तानी दोस्त है तो देसियों वाली शादी होगी तो जरा देसी स्वैग से जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपका उस शख्स से तारुफ करवा दूँ जिसका पहले जिक्र मैंने किया था, जो सऊदीया के अंदर पैदा हुआ, पला बड़ा और जिसने बड़े होके शादी भी यहीं की। तो ये है मेरा दोस्त, जद्दा का जाना माना सिंगर नईम सिंधी। अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ अटेंड करने का रिकॉर्ड होना तो इसका नाम उसमें ज़रूर आएगा। जो क्या जिनिस बुक होती है ना, मुझे ज़्यादा इंग्लिश उर्दू नहीं आती, तो जिनिस बुक होती है अगर उनके पास, मतलब लो मुरागबा, मुरागबा अगर उन्होंने उन्हें जाना तो मैंने एक साल के अंदर 300 से ज़्यादा शादी में गया, तो तकरीबन 3 सालों में 900 शादियों में मैंने गा चुका है। अरबी, सिंधी, सरायकी, बलोची, पंजाबी, सिंधी, बरोही, सब में। आज गाओगे इंशाल्लाह? भी जरूर। क्या गाओगे? कोशिश है सब गाऊंगा, सिंधी, बलोची, सरायकी, पंजाबी। कौन सा गाना गाओगे अभी देखिए। मैं इसी कश्मकश में था कि शादी अरबी है या देसी, लेकिन जिस वक्त मैंने शादी के अंदर ढोल बजता हुआ देखा ना, तो मुझे तो ये पक्का हो गया कि शादी है देसी। लेकिन रुको, शादी के खाने में मंदी थी, अरबी शादी है मेरे भाई। अरे भाई, दूल्हा पाकिस्तानी गाने गा रहा है तो मतलब देसी शादी हुई ना। अरे भाई, दफ, ऊद, दुर्बग्गा, तो शादी कैसे देसी हो सकती है? लेकिन ज़रा गौर करो, उसी दफ, दुर्बग्गे और ऊद के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का भंगड़ा हो रहा है तो मतलब शादी तो देसी हुई ना। अच्छा, अब मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। आपने कहा शादी के खाने में मंदी है तो अरबी है, मैंने कहा लेकिन ढोल भी तो बज रहा है तो मतलब देसी हुई ना। लेकिन आपने फिर कहा कि उसी शादी के अंदर ऊद, दुर्बग्गा और दफ भी बज रहा है तो अरबी हुई। लेकिन उसी ऊद, दुर्बग्गे और दफ के ऊपर जो बंदा गाना गा रहा है, इससे तो 100% हो गया कि ये शादी देसी है। चेक करो। मतलब शादी तो देसी है। नहीं मेरी जान, ये शादी ना देसी है ना अरबी। ये शादी एक ऐसे शख्स की है जो है तो पाकिस्तानी लेकिन पैदा हुआ है खुशकिस्मती से सऊदीया के अंदर, जिसकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है लेकिन दिल सऊदी है, जिसके आबा व अजदाद पाकिस्तान से हैं लेकिन अपना लिया है सऊदीया को। ये उस शख्स की शादी है जो पाकिस्तान चला जाए तो शायद उसको वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा अजनबियत महसूस हो। ये उस शख्स की शादी है जिसके अंदर सऊदीया रच बस गया है, जिसकी वजह से ये सिंधी को सिंधी और बलोची को बलूची कहता है। बचपन से लेके आज तक सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार रहा कि कब नेशनलिटी मिलने का ऑर्डर्स आ जाएं और हम अपनी तमाम खिदमात सिर्फ सऊदीया के नाम कर दें। खैर, बैक टू द टॉपिक।
वेडिंग और मैरिज में बहुत सिंपल सा फर्क है। मैरिज ये होती है कि जब दो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को निकाह में कबूल कर लें, तो वो होती है मैरिज। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा और नमो का निकाह हुआ 26 जून को, तो वो थी हमारी मैरिज। उसके बाद हमारी वेडिंग हुई 21 नवंबर को, जिस वक्त इवेंट हुआ, शादी हुई, ढोल ढपक्का, ये वो सारी चीज़ें, वो हुई वेडिंग। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है मैरिज और वेडिंग में। अगली दफ़ा कोई पूछे तो बता देना, और कोई चार लोग बैठे हुए तो उनसे भी आप ये पूछ सकते हैं कि वेडिंग और मैरिज में फ़र्क पता है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कहीं पे भी दुनिया में किसी भी वीडियो पे, किसी भी पोस्ट पे कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि ये आपको खुद को भी नेगेटिव कर रहा है और अगले बंदे को भी नेगेटिव कर रहा है। ठीक है ना, तो ज़रा अच्छी अच्छी बातें लिखें और ज़रा इस वीडियो को शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, और मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लें, क्योंकि डेली लाइफ जो है वो मेरी इंस्टाग्राम पे शेयर होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओ भाई लाइक करो, भाई लाइक करो।